गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। देखो बेटा, अपना जो लास्ट टॉपिक चला हुआ है, लास्ट टॉपिक हमने एवरेज स्पीड के ऊपर शायद छोड़ा था लास्ट लेक्चर में। एवरेज स्पीड क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, और नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड क्या होती है, ये चार डेफिनेशन हमने लास्ट लेक्चर में किए हैं। तो चारों आपको मैं उम्मीद करता हूं आपने पढ़े होंगे, सीखे होंगे, और एक न्यूमेरिकल भी करवाया था एवरेज स्पीड के ऊपर। तो देखो बेटा, एवरेज स्पीड का जो न्यूमेरिकल वो कल करवाया था या लास्ट लेक्चर में जो हमने किया था, उस न्यूमेरिकल के ऊपर अगर मैं थ्योरेटिकली एक फॉर्मूला निकलवाऊं आपसे, दो ऑब्जेक्ट्स के केस में एक फॉर्मूला निकालेंगे हम, ताकि हम वो डायरेक्ट पुट कर दें और सीधा आंसर निकाल लें। तो इसका मतलब डायरेक्ट पुट करें और सीधा आंसर चाहिए तो हमें एक मैथमेटिकल फॉर्मूला चाहिएगा। वो मैथमेटिकल फॉर्मूला देखो बिल्कुल सिंपल सा है, डिराइव करते हैं हम उसको, कैसे निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरेज स्पीड को हमने कैसे डिफाइन किया था? एवरेज स्पीड क्या थी? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, यही किया है ना, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। तो देखो स्टार्ट करते हैं हम एवरेज स्पीड, एक बार और डिस्कस करता हूं मैं न्यूमेरिकली पोर्शन के हिसाब से कि आप कैसे उसको सोल्व करोगे। एवरेज स्पीड का आपने फॉर्मूला लिखा था टोटल पाथ लेंथ टू द टोटल टाइम टेकन, टोटल पाथ लेंथ टू द टोटल टाइम टेकन, ये लिखा है, बिल्कुल सही है। अब देखो, मान लो भाई कोई ऑब्जेक्ट है और वो किसी पॉइंट ए और बी से चलती है। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ए से बी पे जा रही है, और ए से बी पे जाने के लिए वो मान लो कितना डिस्टेंस कवर अप करती है, x मीटर, और यहां से यहां पे जा रही है जो, वो s1 स्पीड से जा रही है। किस तरफ? इस तरफ, ए टू बी कितनी स्पीड से जा रही है, s1 स्पीड से, और बी से ए की तरफ आ रही है s2 स्पीड से। यहां पे टाइम ले रही है, जब ए से बी जा रही है तो टाइम ले रही है मान लो t1, और बी टू ए आ रही है तो टाइम ले रही है t2। देखो दो केस ले लिए बेटा, एक बार तो ऑब्जेक्ट जा रही है ए से बी और फिर आ रही है बी से ए, तो ए से बी जाएगी और बी से ए जाएगी तो टाइम क्या ले रही है, t1 और t2। ए से बी जा रही है तो स्पीड कितनी है, s1, और बी से ए आ रही है तो स्पीड कितनी है, s2। क्लियर होगी ये बात? ठीक है, अब अपने को निकालिए इसकी एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के लिए देखो क्या बताया है, एवरेज स्पीड के लिए टोटल पाथ लेंथ टू द टोटल टाइम टेकन। अब ए से बी गई और बी से ए गई, ए से बी गई तो एक्स और बी से ए आई तो भी एक्स, तो टोटल कितनी हो गई, ए से बी गई और फिर बी से ए आई, तो टोटल पाथ लेंथ कितना हो गया, एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x आ गया ना। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल पाथ लेंथ की जगह क्या रख दिया, 2x डिवाइड बाय, ठीक है, ए से बी का टाइम मान लो t1 प्लस बी से टी ए का टाइम t2, तो दोनों का टाइम हो गया टोटल टाइम। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम बिल्कुल, और कोई चेंज करना नहीं है। तो दिस विल इंप्लाइज 2x डिवाइड बाय t1 की वैल्यू क्या रख सकते हो, t1 देखो बेटा टाइम किसके इक्वल हो जाएगा, टाइम आपका हो सकता है डिस्टेंस बाय वेलोसिटी या स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, और डिस्टेंस कितनी है एक्स, t1 की वैल्यू, और s स्पीड कितनी है s1, t2 की वैल्यू क्या लिख सकते हो आप, एक्स बाय s2। देखो ये s1 t1 और t2 की वैल्यूज आ जाएगी, t1 की वैल्यू क्या रखूं मैं, एक्स बाय s1 प्लस t2 की जगह पे क्या रखूं, एक्स बाय s2। This will implies 2x divided by LCM, देखो यहां पे इन टर्म्स का LCM लेना है, इन टर्म्स का LCM लो, तो LCM क्या बन गया, LCM बन गया भाई S1 से डिवाइड करोगे तो x S2 प्लस x S1,
और दिस विल इंप्लाइज बिल्कुल सिंपली सोल्व कर रहे हैं हम इसको, और कोई बड़ी बात नहीं है, मैथमेटिकली सॉल्यूशन चल रहा है। यहां से देखो बेटा एस वन एस टू ऊपर चला गया, एस वन एस टू ऊपर, यहां से एक्स कॉमन हो गया, इंटू क्या बच गया एस वन प्लस एस टू, एक्स से एक्स कैंसिल कर दो, क्या बच गया टू एस वन एस टू ओवर एस वन प्लस एस टू। ये आपकी आ गई एवरेज स्पीड, ये आपकी आ गई एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के लिए रिलेशन आपका आ गया टू एस वन एस टू बाय एस वन प्लस एस टू। अच्छा अब देखो लास्ट वाला अगर क्वेश्चन आपको ध्यान हो, जो लास्ट लेक्चर में हमने किया था वो लास्ट वाला अगर क्वेश्चन आपके ध्यान में है बेटा, तो वो क्वेश्चन ये था कि कोई गाड़ी थी, वो गाड़ी एक बार तो 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चल रही है और एक बार 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। उसका आंसर कितना आया था 48 किलोमीटर पर आवर, आंसर क्या आया था एवरेज स्पीड में 48 किलोमीटर। वो जो क्वेश्चन करके दिखाया था वो मैंने कुछ इस तरीके से करके दिखाया था। अब आप उस क्वेश्चन के ऊपर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के देखो, अब उस क्वेश्चन के ऊपर अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करने से देखो क्या आंसर हमारा डायरेक्ट आता है या नहीं आता है। बिल्कुल सिंपली हम निकाल सकते हैं एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, देखो अपने पास 60 और 40 था ना, 60 और 40 की मल्टीप्लाई कर लो ऊपर क्योंकि मल्टीप्लाई है फॉर्मूले में, डिवाइड बाय 60 प्लस 40 100 हो जाएगा, नीचे एडिशन करना है, दिस टू दिस कैंसिल आउट, 6 4 24 2 48 किलोमीटर। देखो बिल्कुल सिंपल आ गया ना, ये बेटा शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक कर सकते हो आप इस ऐसे क्वेश्चंस में कि एवरेज स्पीड कैसे निकाली जाएगी। ठीक है, अच्छा मेरे ख्याल में अब ये आपको शॉर्ट ट्रिक भी समझ में आ गई होगी और जो लास्ट लेक्चर में हमने किया था फॉर्मूला से निकालना आंसर, तो वो भी समझ में आ गया होगा। अब मैं दो क्वेश्चन देता हूं, वो क्वेश्चंस बेटा आप सोल्व करोगे अपनी फेयर नोटबुक के अंदर, और फेयर नोटबुक के अंदर भी सोल्व करोगे और मेरे पास उनका सोल्यूशन भी भेजोगे। लिखो स्टेटमेंट्स, मैं बोर्ड के ऊपर लिख देता हूं कि क्या है आपका वो स्टेटमेंट्स क्वेश्चंस की, वो सोल्व करोगे बेटा। दो क्वेश्चन देता हूं, ज्यादा नहीं दे रहा, केवल दो क्वेश्चन है, लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन, अ कार मूविंग विद स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर टू कवर ए डिस्टेंस if it covers the same distance then find the average speed of the car in both cases। Second question, a train moving from station A to B with speed 48 kilometer per hour and second train moving from B to A with speed 60 किलोमीटर पर आवर एट द सेम टाइम, स्टार्ट्स एट द सेम टाइम, इफ the distance between stations is 240 kilometer,
इफ द डिस्टेंस बिटवीन स्टेशंस इज 240 किलोमीटर देन फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन्स एंड आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट ये क्वेश्चन करने हैं बेटा, दो क्वेश्चन आप करके दिखाओ, ठीक है। इनका सॉल्यूशन आप मेरे पास भेजना, अगर जिस जिस के बच्चे के ये क्वेश्चंस हो जाएं, और अगर किसी को डाउट है तो वो मेरे से शेयर करेंगे, ठीक है। मैं इनको सोल्व नहीं करवाऊंगा, किसी की डाउट है तो वो मेरे से शेयर करेंगे जरूर कि सर ये मेरी डाउट आई है, आप इसको सोल्व करो। ये क्वेश्चंस आप मेरे पास सॉल्यूशन करके बेटा इन क्वेश्चंस का भेजेंगे, ठीक है। इसके बाद भाई अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक इज वेलोसिटी। हाउ कैन वी डिफाइन वेलोसिटी? बिल्कुल सिंपल है। डिस्प्लेसमेंट अगर आपने डिफाइन किया है तो आप यहां पे लिख सकते हो, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम इंटरवल। Displacement to the time interval, तो आप ये लिख सकते हो, it is the rate of change of displacement. Velocity को कैसे define करोगे? It is the rate of change of displacement. जैसे हमने स्पीड के बेटा चार टाइप किए हैं, ऐसे ही वेलोसिटी के भी चार टाइप हैं। कौन कौन से हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दूसरा हो गया भाई वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तीसरा हो गया भाई आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और चौथा हो गया भाई आपका एवरेज वेलोसिटी। तो देखो चारों को मैं एक साथ करवा लेता हूं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जैसे आपने यूनिफॉर्म स्पीड को डिफाइन किया है, ऐसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी? व्हेन एनी ऑब्जेक्ट कवर्स द सेम डिस्प्लेसमेंट इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। वहां पे डिस्टेंस थी, यहां पे डिस्प्लेसमेंट। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट कवर्स the same displacement in same interval of time, तो उसको हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है कोई भी ऑब्जेक्ट है बेटा, डिस्प्लेसमेंट आप सेम देते रहो, टाइम सेम तो दे ही रहे हैं, तो वो क्या आ जाएगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बहुत सारे एग्जांपल बता सकते हैं आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी के, कार भी हो सकती है, बाइक भी हो सकती है, जीप भी हो सकती है, कुछ भी कर सकते हो। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन, हाँ बताओ बेटा शाबाश, क्या चेंज करेंगे? व्हेन एनी ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो इसको हम क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बाहर आता है भाई आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट द वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को बेटा आप ये लिखते हो, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। देखो ध्यान से फॉर्मूला इसका,
v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू जीरो डेल्टा x बाय डेल्टा t, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक इंटरवल में तो v1 वेलोसिटी ले रही है, दूसरे इंटरवल में v2 ले रही है, तीसरे में v3 ले रही है, तो एवरेज क्या हो जाएगी बेटा, तीनों को जोड़ो और तीन से डिवाइड कर दो। मैं फॉर्मूला लिख देता हूं एक बार ताकि आपको क्लियर रहे कि एवरेज वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन करने वाले हैं। एवरेज वेलोसिटी देखो मैं ये लिख रहा हूं, एवरेज वेलोसिटी मान लिया पहले इंटरवल में वेलोसिटी कितनी है v1, दूसरे इंटरवल में वेलोसिटी कितनी है v2 और तीसरे इंटरवल में वेलोसिटी कितनी है v3, तो तीनों में जब हम एवरेज निकालेंगे तो v1 plus v2 plus v3 करके डिवाइड बाय 3 कर देंगे। इट इज द मीन वैल्यू ऑफ गिवन वेलोसिटीज इन डिफरेंट इंटरवल्स। इट इज द मीन वैल्यू ऑफ गिवन वेलोसिटीज इन डिफरेंट इंटरवल्स। तो ये चार टाइप के हो गए भाई वेलोसिटीज। वेलोसिटी कितने टाइप की होगी, चार, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म इंस्टेंटेनियस एवरेज। वेलोसिटी को हमने डिफाइन कैसे किया है, डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम इंटरवल, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जब कोई भी ऑब्जेक्ट है सेम डिस्प्लेसमेंट कवर करता है सेम टाइम में तो होगी यूनिफॉर्मली। नॉन यूनिफॉर्मली जब अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन वी कैन से दैट इट इज मूविंग विद द नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी व्हेन अ मूविंग ऑब्जेक्ट when the object is in motion and at any interval the velocity of the object is called its instantaneous, and instantaneous is limit delta t tends to zero delta x by delta t, that is instantaneous velocity। average velocity koi bhi intervals hain, a many of number of intervals are there, then the mean value of all the velocities is called average velocity। देखो जो average वाला formula बेटा velocity पे लगेगा, speed पे नहीं लगेगा। speed पे average का क्या लग रहा है, 2s1 s2 by s1 plus s2। अब questions आ जाता है कि भाई कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन ये बन गया कि सर दो ऑब्जेक्ट तो ठीक है, अब तीन हो तो average speed कैसे निकालोगे, तीन हो तो एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, तीन हो तो वो लगा लो बेटा जो मैंने पीछे वाले लास्ट लेक्चर में करवाया था वो क्वेश्चंस उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चले जाओ। क्लियर होगी, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं करवाऊंगा, एक आधो न्यूमेरिकल्स भी होते रहेंगे आपके साथ में। तो इस वीडियो में बेटा ये आप डिस्कस करो, वेलोसिटीज को पढ़ो, टाइप ऑफ वेलोसिटीज पढ़ो, नेक्स्ट वीडियो में हम इनके ग्राफ्स करते हैं। थैंक यू।